सेमी मॉड्यूलर किचन एसेंशियल। आज हम बात करने वाले हैं सेमी मॉड्यूलर किचन के एसेंशियल्स के बारे में, और उससे पहले हम क्लियर कर लेते हैं कि सेमी मॉड्यूलर और मॉड्यूलर किचन में क्या फर्क होता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अभी भी ये मिसकंसेप्शन है कि सेमी मॉड्यूलर किचन और मॉड्यूलर किचन में फर्क क्या है। लोग सेमी मॉड्यूलर को ही मॉड्यूलर बुलाने लगे हैं और उनको क्लियर टर्म्स नहीं है कि इनमें फर्क क्या होती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मॉड्यूलर किचन की, तो मॉड्यूलर किचन वो किचन होते हैं जो कि फैक्ट्री मेड होते हैं। उसका एक एक मॉड्यूल फैक्ट्री में बनता है एज पर द रिक्वायर्ड मेजरमेंट, मतलब कि टेक्नीशियंस जो होते हैं, जो टेक्निकल टीम होती है, वो आपके घर के डायमेंशंस लेके जाती है एंड देन उसी डायमेंशन पे आपको एक एक मॉड्यूल आपके किचन का फैक्ट्री में बना के देती है। देन वो डिलीवर करती है, वो टेक्नीशियन की टीम, टेक्निकल टीम जो होती है, वो डिलीवर करती है आपके एड्रेस पे, आपके घर पे या जहाँ भी आपका किचन है, और देन उस मॉड्यूलर किचन को फिट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्क्रू एंड नट्स। और इसको करने के लिए एक टेक्निकल टीम और एक प्रोफेशनल टीम का होना जरूरी होता है। इसका मतलब ये भी है कि उस मॉड्यूलर किचन को आप खोल के कहीं भी फिक्स कर सकते हैं, यही इसकी स्पेशलिटी है। मान लीजिए कि आपके एक ही साइज के फ्लैट्स हैं, एक बिल्डिंग में एक ही प्लान है उसका, तो आप एक फ्लैट से उस किचन को निकाल के दूसरे फ्लैट में भी फिट कर सकते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट। यही होता है मॉड्यूलर किचन। मॉड्यूलर किचन ज्यादा एक्यूरेट और ज्यादा फिनिशिंग वाला होता है। वहीं पर अगर हम बात करें सेमी मॉड्यूलर किचन की, तो सेमी मॉड्यूलर किचन साइट पे बनाई जाती है, ऑन साइट कंस्ट्रक्शन होती है सेमी मॉड्यूलर किचन की, और इसमें एज पर कस्टमाइजेशन, एज पर रिक्वायरमेंट कस्टमाइजेशन की जाती है। मतलब आपके किचन के साइज के हिसाब से आपको जो चीज चाहिए और जो चीज नहीं चाहिए उस चीज को ध्यान में रखते हुए जो कारपेंटर टीम होती है वो आपको सेमी मॉड्यूलर किचन बना के देती है। अगर हम बात करें कि सेमी मॉड्यूलर किचन के फायदे क्या है, सेमी मॉड्यूलर किचन चीप होता है और कॉस्ट फ्रेंडली होता है, और सेमी मॉड्यूलर किचन में कस्टमाइजेशन आप अपने हिसाब से करा सकते हैं। सेमी मॉड्यूलर किचन बनाते टाइम क्या क्या एसेंशियल चीजें होनी चाहिए, अगर हम इंडियन रिक्वायरमेंट की बात करें, तो इंडियन फैमिलीज में कुक टॉप के नीचे हमारे जो रिक्वायरमेंट्स होती है उसके अकॉर्डिंगली 5 ड्रॉर्स तो होनी ही चाहिए, ड्रॉर्स यानी पुल आउट ट्रॉली। उसके बाद अगर हम बात करें पुल आउट ट्रॉली के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कुक टॉप या हॉब। कुक टॉप जो होता है वो हमारे स्लैब के ऊपर रखा जाता है, वहीं पर जो हॉब होता है वो हमारे स्लैब पे इनबिल्ट होता है, किचन के काउंटर पे इनबिल्ट होता है। अब अगर आप सिलेंडर यूज कर रहे हैं तो आपका एक सिलेंडर का कंपार्टमेंट होना जरूरी है कुक टॉप के बिलो लेफ्ट या राइट में, सो दैट आप उसे कनेक्ट कर पाए। या फिर अगर आप पाइपलाइन वाली गैस यूज कर रहे हैं तो उसको रखने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कि फिर आप जो उसके बिलो नीचे वाला स्पेस है, काउंटर के नीचे वाला स्पेस, उसको अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हम बात करें पुल आउट ट्रॉली की, तो जहाँ पे कुक टॉप होता है उसके जस्ट नीचे कटलरी आती है, कटलरी के नीचे ग्रेन बास्केट आता है, और ये कंपलसरी है, ये स्टैंडर्ड्स हैं कि ग्रेन बास्केट आपका वहाँ पे होता है और कटलरी होती है। वैसे तो डिजाइन करने वाले, बनवाने वाले जुगाड़ से कुछ भी बनवा लेते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि हमारी जो हैंड मूवमेंट होती है ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से, हमें जब हम काम कर रहे होते हैं कुकटॉप पे, तो उसके जस्ट नीचे कटलरी का स्पेस होना चाहिए, सो दैट हम इजिली रोटेट करके उसे निकाल सके। और अगर हम बात करें स्पाइसेस और मसालों की, उसके लिए एक पुल आउट ड्रॉर भी जरूरी है, तो हम उसके राइट एंड लेफ्ट में पुल आउट ड्रॉर भी दे सकते हैं। बॉटल पुल आउट भी हम रखते हैं ग्रेन बास्केट वाले सेक्शन के लेफ्ट या राइट में, जैसे आपके रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग बॉटल पुल आउट भी रखी जाती है। बॉटल पुल आउट में वर्टिकल यूटेंसिल्स रखे जाते हैं बेसिकली, जिसमें आप मसाले रख सकते हैं, सॉस रख सकते हैं, केचप रख सकते हैं, या जो भी आपका रिक्वायरमेंट का सामान है कंटेनर में आप रखना चाहते हैं बॉटल पुल आउट में रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम देखें, तो जब आप पुल आउट ट्रॉली, शेल्व्स और बॉटल पुल आउट ये सब प्लान कर रहे हो, तो ध्यान रखें इस बात का कि मार्केट में जो स्टैंडर्ड डायमेंशंस के ब्रांड्स हैं किचन एक्सेसरीज के, उसके एक बार ब्रांड्स आप चेक कर लें कि आप कौन से ब्रांड का लेने वाले हैं, क्योंकि समटाइम्स ये वैरी करता है ब्रांड टू ब्रांड। और अगर आप ब्रांड को ध्यान में रखते हुए डिजाइन करेंगे तो आपके उसकी किचन एक्सेसरीज जो है इजीली मिल जाएगी, आपको कस्टमाइज नहीं करानी पड़ेगी और एक्स्ट्रा कॉस्ट भी नहीं देनी पड़ेगी। अब हम बात करते हैं पुल आउट ट्रॉली के बाद मैजिक कॉर्नर की। किचन का जो कॉर्नर स्पेस होता है वो वेस्ट हो जाता है ट्रेडिशनल टाइम से हम देखते हुए आ रहे हैं, तो उसको यूटिलाइज करने के लिए आपके मॉडर्न टाइम में हम मैजिक कॉर्नर का यूज करते हैं, जो कि आपको यू शेप, एस शेप और अदर शेप्स में या फोल्डिंग में भी मिल जाती है, स्क्वायर फोल्डिंग में। तो इस तरीके से मैजिक कॉर्नर का यूज करके, और राउंड शेप में भी एक होती है जो कि आपको अपनी ग्रोसरीज आइटम को रखने में हेल्पफुल होती है। समटाइम लोग मैजिक कॉर्नर की जगह सिलेंडर भी रख लेते हैं, लेकिन अगर आप मैजिक कॉर्नर लगाते हैं तो वो ज्यादा फंक्शनल होगा और ज्यादा यूटिलाइज कर सकेंगे आप उस स्पेस को अच्छे तरीके से। अगर हम बात करें मैजिक कॉर्नर के बाद मॉड्यूलर किचन में और क्या क्या हो सकता है, वैसे तो ये आपके स्पेस के अकॉर्डिंग होता है कि आपका किचन का स्पेस कितना बड़ा है। जितना बड़ा आपका किचन होगा उतनी ज्यादा फैसिलिटीज उसमें इंक्रीज कर सकते हैं, और जितना छोटा आपका किचन होगा उसके हिसाब से मिनिमल फैसिलिटीज आप उसमें यूज कर सकते हैं। अगर हम सिंक वाले पोर्शन की बात करें, तो सबसे पहले हमें ध्यान में रखना होता है कि जब किचन डिजाइन कर रहे होते हैं तो किचन ट्रायंगल बनना बहुत जरूरी होता है। किचन ट्रायंगल बेसिकली एक ट्रायंगल फॉर्म करता है किचन आपका, जिसमें कि तीन पॉइंट्स पे आपका फायर, वाटर, फ्रिज होता है। फायर, वाटर और फ्रिज आपके तीनों पॉइंट्स पे होगा। ये जरूरी नहीं है कि आपका जो ट्रायंगल है वो परफेक्ट ट्रायंगल हो, ट्रायंगल किसी भी शेप में हो सकता है, मतलब नॉन परफेक्ट भी हो सकता है। द थिंग इज ट्रायंगल फॉर्म होना चाहिए। ये तीनों चीजें फायर, फ्रिज और वाटर, ये आप एक रो में नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक रो में लगा लेंगे तो फायर आपका वाटर को इंटरप्ट करेगा, वाटर फायर को, एंड देन जो वाटर वाला पोर्शन होगा वो आपके फ्रिज में दिक्कत कर सकता है, या फायर वाला जो पोर्शन होगा वो आपके फ्रिज में दिक्कत कर सकता है। इसलिए किचन ट्रायंगल का बनना बहुत जरूरी हो जाता है। जब आप किचन ट्रायंगल फॉर्म कर लें तो ध्यान रखिए जहां पे आपका सिंक है, सिंक के ऊपर जो शेल्फ होगी उसमें जीटीपीटी यानी कि ग्लास ट्रे और प्लेट ट्रे डिजाइन की जाती है। ग्लास ट्रे और प्लेट ट्रे का सेक्शन डिजाइन किया जाता है जिसमें आप बर्तन धोने के बाद ग्लास और प्लेट्स को रखते हैं। और एज पर रिक्वायरमेंट हम अपने इंडियन घरों में अगर आरओ प्योरीफायर, गीजर ये सब लगा रहे हैं, तो जीटीपीटी की जगह पे आप आरओ प्योरीफायर या गीजर भी लगा सकते हैं, और उसको वो कवर कर सकता है
शेल्फ के थ्रू, शेल्फ और शटर के थ्रू। अगर हम बात करें सिंक के नीचे क्या होना चाहिए, तो सिंक के नीचे एक डस्टबिन के लिए स्पेस होना चाहिए। आप वहाँ पे डस्टबिन होल्डर लगा सकते हैं, या फिर अगर आप डस्टबिन होल्डर नहीं लगाना चाहते तो आप नॉर्मली वहाँ पर डस्टबिन प्लेस कर सकते हैं। वहाँ का स्पेस आपको खाली छोड़ना होता है, सो दैट आपका सिंक का जो भी जंक है वो क्लियरली निकल जाए और देन सफाई में भी ईजी हो। और उसके अलावा जो हम डिटर्जेंट या फिर सोप या फिर लिक्विड यूज करते हैं डिश वॉश में, उसके लिए आप डिटर्जेंट होल्डर या फिर लिक्विड होल्डर उसके नीचे वाले जो शटर है उसके शटर पे लगा सकते हैं, सो दैट आपका वो सामान ऊपर नहीं दिखेगा, मैसी मैसी एरिया नहीं होगा वो। साथ ही अगर आप सिंक की बात करें तो सिंक भी आपके स्पेस के हिसाब से लगता है। आप सिंगल सिंक, डबल सिंक, वेजिटेबल सिंक भी लगा सकते हैं। कई जो बड़े घर होते हैं उसमें सिंगल डबल सिंक यानी कि डबल सिंक लगने के बाद वो लोग वेजिटेबल सिंक भी लगवाते हैं। और ये आपके बजट पे भी डिपेंड करता है कि आप क्या बजट एक्वायर कर रहे हैं और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, आपकी फैमिली की साइज क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। न्यूक्लियर फैमिलीज के लिए सिंगल सिंक सफिशियंट होता है, लेकिन क्योंकि आजकल बर्तन धो के एक जगह रखने और फिर सब्जियां उसी टाइम कुकिंग करते टाइम आपको अगर सब्जियां धोनी हो, फल धोने हो या कुछ खाने पीने का सामान धोना हो, तो उसके लिए डबल सिंक बेटर ऑप्शन होता है। इसके अलावा हम बात करें कि फ्रिज कहाँ पे होना चाहिए। तो जब आप किचन ट्रायंगल फॉर्म कर रहे हो तो फ्रिज को बिल्कुल सेपरेट कर दें फायर जोन यानी कि आपके कुकटॉप वाले जोन और वाटर जोन से, और ट्रायंगल तो बनना ही चाहिए। और जब भी आप सेमी मॉड्यूलर किचन डिजाइन कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि आप फ्यूचर तक में कौन सा फ्रिज यूज करने वाले हैं। इट मे बी डबल डोर, सिंगल डोर, व्हाटएवर योर बजट इज, और आप फ्यूचर तक की सोचें कि आपकी फ्यूचर फैमिली भी उसमें रहने वाली है तो वो किस साइज तक का फ्रिज यूज कर सकती है। उसके स्टैंडर्ड से आप अपने सेमी मॉड्यूलर किचन में फ्रिज का स्पेस छोड़ें और उसके बाद आप फ्रिज के साइड में एक किचन पेंट्री बनवा सकते हैं जिसमें कि आप बॉटल्स वगैरह रख सकते हैं या फिर ग्रोसरी आइटम रख सकते हैं। किचन पेंट्री के मल्टीपल यूज होते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। अगर आपकी ग्रोसरी आइटम ज्यादा होती है यानी कि आप पूरे मंथ की शॉपिंग करके लाते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा कि आप उसमें किचन एक किचन पेंट्री बनवा लें। उसके बाद हम बात करें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की। इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में अगर हम सेमी मॉड्यूलर में इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस देखें तो आपकी हर चीज इधर उधर फैली होने से अच्छा है कि आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एक ही जगह पर यूज करें और जो उसके इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स हैं वो भी एक ही जगह पर आ जाएंगे, वो हाइट करके आ जाते हैं। कंपार्टमेंट्स को आप बनवा सकते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए, जैसे कि आप माइक्रोवेव ओवन और मिक्सी ग्राइंडर का एक पूरा सेक्शन बनवा सकते हैं। ये माइक्रोवेव ओवन और मिक्सी ग्राइंडर वाला सेक्शन आप इस फोटो में क्लियरली देख सकते हैं कि आपका काम कितना आसान कर देता है एक जगह पर हो गया, और ऑल्सो ये सेपरेट भी हो जाता है बाकी फायर और वाटर जोन से। उसके बाद अगर हम बात करें ना कुकटॉप होता है, कुकटॉप के ऊपर आजकल चिमनी लगाई जाती है, तो चिमनी का स्पेस आप उसी के अकॉर्डिंग छोड़े जो आपका कुकटॉप है उसके ऊपर आप कौन सी चिमनी लगाने वाले हैं। आप अपना ब्रांड डिसाइड कर लें और फ्यूचर में आप किस ब्रांड का लेंगे या फिर किस साइज तक का ले सकते हैं आप अपना साइज पहले ही डिसाइड कर लें, और उसके बाद उतना ही स्पेस आप अपनी चिमनी के लिए छोड़ें। और ध्यान रखें कि जब आपका सेमी मॉड्यूलर किचन बन रहा हो उसी टाइम पर अगर आप इन दी लास्ट चिमनी लगवा लेते हैं तो बेटर है, क्योंकि उसकी फिटिंग में थोड़ी टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती है, टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो चीज़ अगर आप एक टेक्नीशियन से ही कराएं तो वो बेस्ट होता है। अगर हम बात करें सेमी मॉड्यूलर किचन में डेकोरेशन की, अच्छा ऊपर वाले अपार्टमेंट होते हैं उसमें आप सिंपल शेल्फ लगवा सकते हैं और क्रॉकरी यूनिट बना सकते हैं। क्रॉकरी यूनिट में आप फ्लूटेड ग्लास या फिर सिंपल ग्लास या फिर फ्रॉस्टेड ग्लास का यूज कर सकते हैं। क्रॉकरी यूनिट में अगर आप ग्लास का यूज करेंगे तो आपकी क्रॉकरी निखर के बाहर आएगी, और बाकी आप स्पाइसेस वगैरह के लिए और अपने बाकी किचन के सामान के लिए ऊपर वाले शेल्फ नॉर्मल बनवा सकते हैं। वैसे माना जाता है कि ऊपर वाले शेल्फ अगर सीलिंग से ना टच हो रहे हो तो बेटर होता है, क्योंकि आपका सीलिंग का लुक उससे खराब नहीं होता, लेकिन अगर आप सीलिंग से टच कर दे रहे हैं तो अपना ध्यान रखें कि आपकी वॉल सीलिंग का लुक खराब ना हो। कि जो आपके पुल आउट ड्रॉर्स या शटर्स वगैरह होते हैं, स्पेशली पुल आउट ट्रॉलीज जो होती हैं, इनको डेकोरेट करने के लिए आप हैंडल्स का यूज कर सकते हैं, लेकिन हैंडल अब एक पुराना तरीका हो गया है, तो उसकी जगह पे अब मॉडर्न टाइम पे ग्रुप बनाया जाता है जिससे कि आप इजीली होल्ड कर सकते हैं। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके किचन में कहाँ पे हैंडल है, और जो उसको ऑपरेट कर रहा है वो बता सकता है कि वो किस तरीके से खुलेगा। द थिंग इज बिना हैंडलेस किचन अभी ज्यादा अच्छे लगते हैं, सीमलेस है, मॉडर्न टाइम के किचन है, और उसमें एक प्रोफाइल लगा दी जाए तो वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफाई हो जाती है। और ज्यादा बेटर अगर आपको अपने सेमी मॉड्यूलर किचन को बनाना है तो आप उसमें प्रोफाइल लाइट का यूज कर सकते हैं। प्रोफाइल लाइट बेसिकली जो होती है वो जो आपके ऊपर वाले कंपार्टमेंट्स होते हैं उनके नीचे लगाई जाती है, जो कि शाम के टाइम में आप अगर जलाते हैं तो आपके किचन को बहुत ज्यादा ब्यूटीफाई करती है। साथ ही में आप ध्यान रखें कि आप सेमी मॉड्यूलर किचन जब डिजाइन करा रहे हो तो उसमें इतनी ज्यादा फैसिलिटीज ना डाल दें कि आपका स्पेस बहुत कंजेस्टेड हो जाए। हमेशा स्पेस को ध्यान में रखते हुए, एंथ्रो को ध्यान में रखते हुए अपना किचन प्लान करें कि ह्यूमन रोटेशन उसमें इजीली हो जाए और एक से दो लोग उसमें आराम से खड़े होकर काम कर सकते। क्रॉकरी यूनिट के लिए भी एज सच सेमी मॉड्यूलर किचन में कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रॉकरी यूनिट बड़ी या छोटी बनवा सकते हैं, जैसे आपकी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी क्वांटिटी में क्रॉकरीज है। इसके अलावा अभी के टाइम पे अगर हम बात करें स्पाइसेस के लिए, तो जो आपका कुकटॉप के ऊपर वाला सेक्शन होता है जहाँ पे टाइलिंग लग रही होती है बैक साइड पे, उधर आप स्पाइसेस के लिए एक प्लेन ओपन सेक्शन भी बना सकते हैं जहाँ पे आप स्पाइसेस रख सकते हैं, या फिर चिमनी के दोनों साइड पे आप एक ओपन सेक्शन बना सकते हैं, ओपन कैबिनेट्स वाला जिसमें शटर नहीं होगा, तो वहां पे भी आप स्पाइसेस रख सकते हैं। और अगर हम कॉम्बिनेशन में बनाए ग्लास शटर्स, सिंपल शटर्स और ओपन कैबिनेट्स का, तो वो काफी ही सुंदर लगता है देखने में। अगर हम बात करें कलर स्कीम की, तो आजकल कलर स्कीम में ग्रे, डस्ट ब्राउन, बीज, रोज गोल्ड, ऐसे कलर्स काफी ज्यादा ट्रेंड में है। मैं अपनी तरफ से सजेस्ट करूंगी कि आप हमेशा अपने किचन में लाइट कलर्स का यूज करें और ब्राइट कलर्स का यूज करें, सो दैट लॉन्ग टर्म में आप उस कलर से बोर नहीं होंगे और वो आपके घर की रौनक को बना के रखेगा। क्योंकि किचन जो होता है वो हमारे पूरे घर का हार्ट होता है, यानी कि दिल होता है। मतलब कुछ होना हो घर पे खाना होना चाहिए, तो खाना कैसे आता है किचन से, तो किचन अच्छा होगा तभी किसी का खाना बनाने का मन करेगा। तो इट्स बेटर कि किचन बहुत अच्छे से डिजाइन कराया जाए। इस बात का और ध्यान रखना होता है कि जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट है अगर वो हाइट रहे और वाटर और वायर के कॉन्टेक्ट में ना हो तो ये बेटर माना जाता है। उसके बाद जो काउंटर हाइट है वो
तीन से साढ़े तीन फीट होती है, वैसे तो 2 फीट 8 इंच मानी जाती है स्टैंडर्ड, लेकिन 3 फीट तक भी लोग रखते हैं एज पर दी हाइट रिक्वायरमेंट, कि फैमिली में जो लोग खाना बनाने वाले हैं उनकी हाइट कितनी है। और अगर हम देखें तो फिर वो 36 से 39 इंचेस तक जा सकती है। उसके बाद जो अपर कैबिनेट्स और लोअर काउंटर के बीच में टाइल्स लगती हैं, उस जगह पे 2 फीट से लेकर 2.5 फीट तक लोग छोड़ते हैं, समटाइम्स 3 फीट भी छोड़ते हैं। ये भी एज पर रिक्वायरमेंट होता है कि आपकी जो सर पे है वो बिल्कुल कैबिनेट्स टकराए ना, लेकिन जो स्टैंडर्ड्स है स्टैंडर्ड्स कहते हैं कि 2 फीट छोड़ा जाता है। फिर ग्रीन बास्केट किसके लिए होती है? ग्रीन बास्केट बड़े डब्बे यानी कि अनाज के डब्बे रखने के लिए होती है। अनाज हो गया या फिर आपके पल्सेस हो गए, ये सब आप रख सकते हैं। वहीं पे जो आप पुल आउट ट्रॉली के अलावा बाकी सेक्शंस कटवाते हैं, उन बाकी सेक्शंस में आप अपनी जरूरत के हिसाब से पार्टीशन करवा सकते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पार्टीशन। और इस बात का ध्यान रखें कि आप अननेसेसरी ज्यादा पार्टीशंस ना करवाएं, क्योंकि जितने ज्यादा पार्टीशंस होंगे और जितने ज्यादा आप पुल आउट ट्रॉलीज लगाएंगे, आपका सेमी मॉड्यूलर किचन का बजट उतना ही बढ़ता जाएगा, क्योंकि जितने ज्यादा चैनल जितने ज्यादा बास्केट्स यूज होंगे उतना ज्यादा आपका बजट पड़ेगा। सेमी मॉड्यूलर किचन में इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि सेमी मॉड्यूलर किचन में कुछ किचन एक्सेसरीज के ब्रांड हैं जो कि यूज किए जाते हैं, जैसे कि एवरीडे हो गया, हिंदवेयर हो गया, इनोटेक हो गया, ये कुछ अच्छे ब्रांड्स हैं जो कि किचन एक्सेसरीज में यूज किए जाते हैं। गोदरेज भी उनमें से एक ब्रांड है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा किचन चाहते हैं तो आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट में एक अच्छा ब्रांड जरूर यूज करें किचन एक्सेसरीज के लिए, जो कि आपको लॉन्ग टर्म में भी धोखा नहीं देगा। सेमी मॉड्यूलर किचन में जो पार्टीशन होते हैं वो मार्बल के पार्टीशन किए जाते हैं, समटाइम कुछ लोग वुड का भी पार्टीशन कर देते हैं, लेकिन जो वुड का पार्टीशन होता है उस पे चैनल्स का जब वेट जाता है तो उतना ज्यादा स्टेबल और स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, क्योंकि चैनल्स जो होते हैं समहाउ मेटल के होते हैं या फिर किसी स्ट्रॉन्ग एलिमेंट के होते हैं, तो वो नहीं झेल सकते इतना ज्यादा, इसलिए लोड नहीं झेलने की वजह से हम हमेशा ज्यादातर जो पार्टीशन देखते हैं वो पत्थर का या फिर मार्बल का कराते हैं। जो माइक्रोवेव ओवन सेक्शन है उसको आप रोलिंग शटर से भी कवर कर सकते हैं। वैसे तो रोलिंग शटर काफी महंगा होता है, लेकिन इसका जो लुक आता है वो काफी हटके आता है। अभी मॉडर्न टाइम पे जो सेमी मॉड्यूलर किचन बन रहे हैं उनमें रोलिंग शटर काफी यूज किया जा रहा है। ये आपको इजी टू यूज होता है, क्योंकि वो रोलिंग शटर होता है, छोटा ही साइज होता है उसका, और वो इजिली खुल जाता है, इजिली बंद हो जाता है, आपके अप्लायंसेस को हाइड कर देता है अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो, वरना आप नॉर्मली सेक्शन कटवा के माइक्रोवेव ओवन और मिक्सी ग्राइंडर को रख सकते हैं। और अगर आपका किचन बहुत बड़ा है यानी अच्छा खासा स्पेस है, 4-5 बेडरूम का आपका घर है या 3 बेडरूम का, मतलब आप किचन को अच्छा स्पेस दे रहे हैं, तो आप वॉशिंग मशीन के लिए भी एक स्पेस उसमें डाल सकते हैं। वॉशिंग मशीन का स्पेस इसलिए क्योंकि वो सारी पानी की चीजें अगर एक जगह हो जाए सफाई से तो ये बहुत अच्छी बात है, तो वॉशिंग मशीन के लिए आप एक स्पेस उसमें ऐड कर सकते हैं अगर आपके किचन में जगह है। अब सेमी मॉड्यूलर किचन में भी काउंटर किचन, आइलैंड किचन, यू शेप किचन, एल शेप किचन, पैरेलल किचन होती हैं, ये एज पर रिक्वायरमेंट एज पर साइट होती हैं। अगर आपके पास ज्यादा स्पेस है तो आप काउंटर किचन आइलैंड किचन बनवा सकते हैं, जहाँ पे आप सेंटर में भी अपना कुकटॉप रख सकते हैं या फिर सेंटर में आप ईटिंग स्पेस बना सकते हैं या चॉपिंग स्पेस बना सकते हैं। और अगर आपके पास स्पेस कम है तो आप यू शेप एल शेप के साथ पैरेलल किचन के साथ जा सकते हैं। आपका सेमी मॉड्यूलर किचन कभी भी मॉड्यूलर किचन जितनी फिनिशिंग नहीं दे सकता है, क्योंकि जो मॉड्यूलर किचन होते हैं वो फैक्ट्री मेड होते हैं, मशीन्स में बने होते हैं, तो वो बिल्कुल परफेक्ट एज पर डायमेंशन बने होते हैं। वहीं पर अगर जब हमारे लेबर्स और वो जो कारपेंटर्स बनाते हैं उस किचन को, तो फिनिशिंग तो काफी अच्छी आती है, लेकिन उसके अकॉर्डिंगली कंपैरिजन में उससे कम होती है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है। और आप कितना भी ज्यादा कस्टमाइजेशन उसमें कराना चाहते हैं आप करा सकते हैं, उसकी कोई भी लिमिट नहीं है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कस्टमाइजेशन करवा सकते हैं।